अयोध्या में लंगर चल रहा है और महीनों महीनों तक लंगर चलेगा, पुलिस वाले भी जाए और वहां लंगर का लुप्त उठाए, वर्दी पहन करके और लंगर में सुस्वाद भोजन का आनंद ले। दोस्तों, हमने एक प्रजापति जी का वीडियो किया था। वीडियो करने का उद्देश्य मात्र इतना था कि बेरोजगारी को दूर करने का यह भी एक तरीका है। चोरी, बेईमानी, लुच्चई, लफंगई, छिनैती करने से जब भी पेपर खोलिए ना तो देख लीजिए कौन छिनैती कर रहे हैं। मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब आप खुद समझेंगे, लेकिन अब कह करके जाएंगे कहां। प्रजापति जी कई सालों से यह धंधा कर रहे हैं, पहले सर पर लेकर के बेचते थे, बाद में साइकिल उठाया और अब टीवीएस मोटरसाइकिल में, एक में चना, एक में हलवा, एक में चाय, और फिर वह बिक जाता है, वहीं डस्टबिन भी लगाया है। कितने अच्छे लोग हैं सच में यार, देख करके सलूट करने का प्रणाम मैंने किया उनको। हमसे उम्र में अधिक हैं, कम हैं, इसकी चिंता नहीं, मैंने प्रणाम किया, दिल से प्रणाम, आज भी प्रणाम उनको कर रहा हूं। ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में। यदि कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने धंधे को अपनी कौशल के आधार पर चुनेगा तो यह बेरोजगारी भी खत्म होगी, अपराध भी खत्म होगा। क्या समझ रहे हैं, जो अपराध हो रहा है, नीड, उनकी नीड है, नीड यह है कि वह कुछ कर नहीं रहे हैं, मोबाइल में नेट पैक भरवाना है और कहीं अगर उनका कहीं प्यार वार चल रहा है तो मोबाइल गिफ्ट भी करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, मोटरसाइकिल पर चलना है, तो उसके लिए अगर कुछ करोगे नहीं तो यही सब करोगे। तो भैया प्रजापति जी का मैंने वीडियो किया, कई लोगों का कमेंट आया है, जयसवाल जी आ गए, यही दिखाना है, यही सब, इसका क्या मतलब है। हमने कहा आपने बाप दादा से पूछ लेना जयसवाल जी, वह धंधा जानते हैं कि कैसे मिष्ठान की दुकान करना है, कैसे कपड़े का व्यवसाय करना है, कैसे स्कूल चलाना है, कैसे अन्यान्य धंधे करना है, उनसे पूछ लेना। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बाप कमा करके दे रहा होगा तो उस पैसे के आधार पर तुम्हें अभी, या किसी मारवाड़ी से पूछना, मारवाड़ी अपने बच्चों को सिखाता है कि कैसे व्यवसाय करना है। जैसे ही बच्चा हो संभाला वैसे ही मारवाड़ी ने उसे सिखाना शुरू किया, 18 वर्ष की उम्र होते होते सब कुछ वह खींच लेगा, कहेगा अपने कमाओ और अपनी जीविका चलाओ। ऐसा नहीं है कि उसके भीतर जो दिल है और जो संतान के प्रति उसका अच्छा भाव है वह खत्म नहीं होगा, लेकिन वह आत्मनिर्भर बनाएगा। लोग छोड़ देते थे पहले, कुछ रुपए देकर के 1,500 जैसी भी स्थिति हो, कहते थे कि 6 महीने बाद आना, जाओ और इसके बाद इसी रुपए से तुम अपना काम करना, तुम जाकर के साइकिल का पंचर बना रहे हो, जाकर के कप प्लेट धुल रहे हो, होटल में पोछा लगा रहे हो और किसी गैरेज में काम कर रहे हो, मैं नहीं जानता, तुम अपना रोजगार अपना व्यवसाय अपने चुनो। यही चीजें गुजरात में है, यही चीजें पंजाब में भी हैं। दोस्तों, मैं ऐसा खोजता रहता हूं, मिल भी जाता है, मैं चाहता हूं कि जो बेरोजगारी है इस तरह से दूर हो। मैंने उसमें प्रधानमंत्री जी का भी उल्लेख किया था, आज भी कर रहा हूं, कि उन्होंने कहा था पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने से भी प्राय यह है कि मतलब धंधा खोजो अपने मन मिजाज के अनुसार, क्या करना है। अच्छा अगर नाचना आता है तो नाच करके क्यों नहीं चैनल बना रहे हो, नाचो अच्छा। या बेटियों को भी कह रहा हूं, बच्चों को भी कह रहा हूं, अब तो बहुएं नाच रही हैं और ससुर जी देख रहे हैं ठुमका लगाते हुए, बुराई क्या है। लेकिन अपने अपने मन मिजाज के अनुसार कापी किताब बेच लो, पेपर बेच लो, पत्रिकाएं बेच लो, ऐप बना करके बेच लो। धंधा तो 1000 प्रकार के हैं, शासन ने भी इस पर किया है, बहुत से लोगों ने लोन लेकर के, मुद्रा लोन, 50,000 का लोन ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। मैनेजर दिक्कत करेगा तो उसके लिए CDO से मिलिए, DM से मिलिए, मिल जाएगा, करिए ना, 50,000 से जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, यह रहा मैंने प्रजापति जी के बारे में बताया। तो एक और मैंने पुलिस वालों का कहा कि देखिए इनको यह DGP और शासन को ऐसा करना चाहिए कि समय समय पे टूट पड़ते हैं, जैसे ही प्रजापति जी आएंगे वैसे ही पुलिस वाले आएंगे। अरे चना, मैंने देखा लाइन लग गई थी, हलवा खत्म हो गया, अब उनके सामने यह संकट है कि वह कहाँ खाने जाए। ड्यूटी तो लगी है 2 बजे रात से लगी है, अब उसी में ब्रश कर लिए, फ्रेश हो लिए, कहाँ जाए, वहाँ कोई होटल है नहीं। अब एक पंडित जी आ गए, पंडित जी ने कहा लंगर नहीं चल रहा है क्या। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि पुलिस वाला लंगर खाएगा, तब तो ड्यूटी हो चुकी। तुम्हें नहीं पता है ब्राह्मण देव, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अयोध्या में कितने आतंकी हमले हुए हैं, किस प्रकार की मुस्तैदी के साथ वहां ड्यूटी की जाती है, और इसमें कौन सी बुराई है, वो खा भी नहीं सकते नियम तक,
प्रसाद ले लेंगे, विनम्रता के साथ उनको भी दर्शन करने का अधिकार है, उनके भी भीतर उनके इष्ट देव हैं, भगवान श्री राम उनके अंतःकरण में विराजमान हैं। लेकिन अब पुलिस वाला लंगर में लाइन लगा करके लंगर लेने जाएगा, तब तो ड्यूटी हो गई और इधर खेल हो जाएगा। तो ऐसे अविवेकी लोग आते हैं तो उन पर तरस भी आता है, कभी कभी छोटा मोटा हल्का फुल्का गुस्सा भी आता है। हमने लड़ाई लड़ा है, अब बता रहा हूं, हमने डीजीपी लोगों को तलब कराया था राज्य सूचना आयोग में, और यह आज का मामला नहीं है, बहुत हमारे पास पत्र हैं, एसी शर्मा, बुआ सिंह, विक्रम सिंह, इन लोगों के समय में मैं खूब लड़ाई लड़ा इनके ईएल के लिए, इनके सीएल के लिए, 5 रुपया अभी भी जो हवालात में रहते हैं उनको खाने के लिए अभी भी शायद 5 ही रुपया है, 150 रुपया इनको साइकिल अलाउंस मिलता था, साइकिल से अब तो भले अपराधी और बदमाश का पीछा करेंगे, 150 रुपया वर्दी अलाउंस और इन्हीं की छुट्टी इन्हें नहीं मिल रही है। तो तमाम ऐसे इनका मैंने कई आईपीएस लोगों से पूछा, इनका मेस देखा है आपने और इनका बैरक कभी देखा है आपने? तो इस तरह से पंगा होता रहता है। अब उनके लिए मैं गुड सेंस की कामना ही करता हूं जिनके से, लेकिन फिर कह रहा हूं कि तमाम रोजगार हैं, अयोध्या एक ऐसा स्थल बन गया है जहां अगर बेरोजगार लड़का है तो वह रोजगार तलाश सकता है, यहां कमी नहीं होगी, विदेशी आएंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे। आप दिमाग लगाइए ना कि कौन सा व्यवसाय हमें करना है, फिर कभी बता दूंगा, काशी है, अयोध्या है और चित्रकूट है, ब्रज क्षेत्र है, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, यहाँ जाइए ना, दिमाग लगाइए करना क्या है, और दिमाग लगाएंगे व्यवसाय मिल जाएगा। और अगर अपराध को देखा जाए तो अपराध के मूल में सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी है। अब आप फिर कहेंगे मैं प्रतिक्रियावादी हूँ, मैंने तो मोदी जी का किया है ना, उनको प्रमोट किया है इस मामले में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं कह रहा हूँ भीतर से कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, चाय बेचे होंगे, पकौड़ा तलना चाहिए। अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक ऐसी दंपत्ति जो दोनों का आपस में प्यार था, दोनों घर से भाग करके आए, कोई रास्ता नहीं सूझा, मेरे यहाँ कई बार मैसेज किया, अब लड़की का मैसेज था, लड़की का फोटो लगा हुआ था, तो भैया हम तो परहेज करते हैं, आपको भी परहेज करना चाहिए, एक बार ठीक से जान लेना चाहिए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर हम स्वीकार कर रहे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट तो कल के लिए हमें संकट पैदा हो जाए, तो काम की बात कर रहा है। बहरहाल कई बार मैसेज आया तो हमने देखा, मैसेज पढ़ा, ऐसे में मैसेज पढ़ भी नहीं रहा था। बहुत से लड़के हैं जो लड़कियों का फोटो लगा करके करेंगे और बाद में बताएंगे कि, बहुत से लोग हैं जो अपना फोटो नहीं लगाएंगे, किसी ऐसे का लगाएंगे जो लगेगा कि कितना चमक दमक है, अपना भैया ओरिजिनलिटी में आइए ना, कोई जरूरी है क्या कि दूसरे का लगा करके और फिर ऐसे ही। तो तिवारी जी की आईडी कलाम साहब ने बनाया है, कलाम साहब की आईडी पाठक जी ने बनाया है, यही सब हो रहा है, वो लोग अपना नाश कर रहे हैं। तो उन दोनों ने हमसे कहा कि सर एक वीडियो हमारा कर दीजिए, हमने वीडियो किया, रोजगार मिल गया, दोनों अब आत्मनिर्भर हैं, अगले वीडियो का इंतजार करिए, उस पर मैं बताऊंगा। अयोध्या के कुछ और वीडियो हैं, हालांकि मैं अयोध्या में हूं नहीं, कुछ और भी वीडियो हैं जो बेरोजगारी उन्मूलन पर हैं, उसे मैं आगे आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, बेरोजगारी सबसे बड़ा अपराध है, इसे रोजगार के सृजन कैसे किए जाए, दिमाग आपको लगाना है। प्रणाम, नमस्कार।